सोलन का शांति बाईपास का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से चला है, लेकिन आज तक ये निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर निर्माण कार्य चींटी की चाल चल रहा है। सोलन में कांग्रेस का विधायक है, इसलिए ये यहाँ चल रहे निर्माण कार्य को आहिस्ता आहिस्ता ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। कांग्रेस ने ये आरोप लगाते हुए कहा कि सोलन के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सोलन के विधायक धनीराम शांडिल अपने दम पर सोलन का विकास करवाने की पुरजोर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र अपनी गति बदलने का नाम नहीं ले रहा है। सोलन के विधायक ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट शांति बाईपास का दौरा किया और पाया कि उसका काफी हद तक काम पूरा हो चुका है। उन्होंने इस मौके पर अफसोस भी जताया कि इस कार्य को काफी समय पहले ही पूरा कर देना चाहिए था, लेकिन लेट लतीफी के कारण ये काम पूरा नहीं हो पाया है। कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि जब वे 2012 में विधायक बने थे तो उनका सबसे पहला लक्ष्य सोलन में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना था। उन्होंने कहा कि सोलन में अन्य जिलों से सेब और अन्य किसानों की फसल बड़े बड़े ट्रकों और ट्रॉलों लेकर मंडियों के लिए निकलती है, जिसकी वजह से सड़कों में लंबा जाम लग जाता था। जाम की वजह से शहरवासियों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था। इन्हीं दिक्कतों को कम करने के लिए और उनकी शांति बाईपास की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते इसका काम आज तक नहीं पूरा हो पाया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बाईपास का मुआयना किया गया, जिसे देखकर लगता है कि इस वर्ष बाईपास की सुविधा सोलन वासियों को मिल जाएगी। शुरू से इसकी लागत आंकी गई थी 26 करोड़, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देखो एस्केलेशन तो होती है, मटेरियल कॉस्ट, सो मेनी अदर लेबर कॉस्ट, सो मेनी थिंग अप्रिशिएट होती रहती है। तो मेरे को लगता है उसके बाद ये ऊपर को भी जाना सॉर्ट ऑफ नो पॉसिबिलिटी है। और अब जब हम इसके फाइनल वो देंगे तो एक्सटेंस ऑफ साथ हैं, मेरे को लगता है इसमें काफ़ी ऊपर की तरफ हम जाएंगे, ऐसे मेरे को लगता है। लेकिन सबसे बड़ी जो देखने की बात इसमें है वो ये है कि जब व्हेन आई वाज मेंबर पार्लियामेंट एंड आई यूज टू गो टू ऑल द 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे नीचे को आना अपने पछाद से सरमौर से सोलन के थ्रू से पल्ली नेरी पुल से ऊपर जब मैं जाता था और सोलन का ध्यान करते थे हम कि कितना बड़ा हमारे पे प्रेशर है, तब मेरे दिमाग में रहता था कि वाकई जो शांति बाईपास का कॉन्सेप्ट जो था कि भाई एक बाईपास होना चाहिए। इसीलिए जब मैंने ऊपर प्रॉब्लम देखी कि जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां अगर हम इन तीनों जिलों की शिमला सोलन और सिरमौर के जो हमारी मेन यहाँ की प्रेशर है वो अगर कहीं से इससे निकले तो सोलन टाउन में बड़े अच्छे तरीके से सुविधापूर्वक आप रह सकते हैं और आपका वाहन चलना वगैरह आसानी होता। तो दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट। इसलिए 2012 में जब मैं पहला इलेक्शन रहा, मेरा जो मैनिफेस्टो है उसमें नंबर वन पॉइंट आप देखेंगे इट इज़ ऑफ शांति बाईपास कि हम इसको अवश्य बनाएंगे। और मेरा मानना है कि आजकल के शहरीकरण में जिसमें बहुत प्रेशर होता है गाड़ियों का, हमेशा बाईपास बनाने ज़रूरी होते हैं ताकि जो शहर में आबादी रहे उनका बच्चों का मूवमेंट होना और हर प्रकार की जो मूवमेंट होती है वो ठीक हो सके। ये इसके पीछे बहुत बड़ा एम था। हाउएवर आई नो कि ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, कई कुछ भी हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, कई बार आर्थिक भी हो सकते हैं, ये प्रोजेक्ट काफ़ी आगे होता रहा। और मुझे अभी खुशी ये है कि अब आपके सामने ये मेटल हो चुका है, हो ही गया है। लगभग इसमें थोड़ी बहुत और छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आई थिंक ठीक ठाक होने के बाद ये लोकार्पण इसका कर देंगे सरकार।